हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। सुनीता वेज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाट कटोरी। चाट कटोरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको दिखाते हैं। हमने चार उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हमने छील लिया है और छील कर पीसों में काट लिया, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आधी चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे, ये भुंजा हुआ जीरा पाउडर है। दो पिंच ये काली मिर्च पाउडर है। नमक चाट मसाला है फ्रेंड्स, नमक है फ्रेंड्स, ये स्वाद अनुसार लेना है। ये नमक है, ये भी टेस्ट अनुसार लेना है आपको। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम धनिया पत्ती डालेंगे। बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम कटोरी बनाने के लिए आटा को तैयार करेंगे, इसलिए हमने एक कप मैदा ली हुई है। दो टेबल स्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हमने डाल दिया है, हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, हमको रोटियों की तरह आटा लगाना है, जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं। ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है। हमारा देखिए आटा गूंथ चुका है, तैयार हो गया है कटोरी के लिए। अब इसकी हम कटोरियाँ बनाएंगे, उसके लिए हम लोई काटेंगे। अभी मेरी देखिए बनकर 7 लोइयाँ तैयार हुई हैं। अब इसको हम कटोरी बनाएंगे। इस कटोरी की सहायता से हमें कटोरी बनानी है। आपके पास जो कटोरी हो आप उससे बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी चाहें। देखिए, सबसे पहले हमने लोई ली है और लोई को हम कटोरी के पीछे साइड में रखेंगे, बैक साइड, और रखकर इसको हम कटोरी पर फैलाएंगे। हम इसको पूरा कटोरी से कवर कर देंगे, कटोरी से पूरी मैदा को कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरह बनानी है। हमें नीचे ज़्यादा मैदा नहीं रखनी है, नीचे से मैदे को लाते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। फ्रेंड्स, इसमें अब ऑयल को ऐड करेंगे कढ़ाई में कटोरियों को तलने के लिए। गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपनी कटोरी जो मैंने बनाई थी उसको हम डाल देंगे और स्लो मीडियम गैस पर इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम नहीं करना है फ्रेंड्स हमको, क्योंकि हमारी कटोरी फिर अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हमें स्लो बनाना है। और इस कटोरी के अंदर हमें ऑयल भी डालना है, जिससे कि हमारी कटोरी नीचे भी अच्छे से पक जाए अंदर भी। देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी को पलट दिया है, इसके ऊपर ऑयल डाल रहे हैं। हमारी कटोरी ने जो मैदे की कटोरी बनी थी उसको छोड़ दिया है। इस कटोरी को हम निकाल लेंगे और इस कटोरी को हम अभी और फ्राई करेंगे, कि पूरी तरह से नहीं पकी है। तब तक हम दूसरी कटोरी को बना लेंगे। हमारी दूसरी कटोरी भी बनकर तैयार हो गई है। ये कटोरी हमारी पक चुकी है फ्रेंड्स, देखिए तल चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे। दूसरी कटोरी को हम इसी तरह इसमें ऑयल को डालेंगे और इसको भी हम तल लेंगे। देखिए हमारी कटोरी, ये देखिए बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। अब इस कटोरी को हम निकाल लेंगे। देखिए अपने आप इसने कटोरी को छोड़ दिया और अभी इसको हम तल लेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, जब हमारा दिल करे हम इसकी चाट बनाकर खा सकते हैं। इसमें स्टफिंग भर के किसी भी चीज़ की स्टफिंग आप बना सकते हैं। चने की बना लें, जो ब्लैक वाले चने आते हैं उसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छी लगती है, इसमें अंदर डालकर खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई आप करना, बहुत अच्छी ये डिश बनती है। फ्रेंड्स, हमारी कटोरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए स्टफिंग हम पहले से बना ली थी मैंने, ये देखिए इसमें हम भरेंगे।
स्टफिंग हमने भर ली है। अब इसमें हम डालेंगे चटनी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी घर की बनी हुई चटनी है दही की, ये हम डालेंगे इसमें। खट्टी चटनी है ये। फ्रेंड्स, हमने खट्टी चटनी सब में डाल दी है। अब हम मीठी चटनी डालेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप डाल सकते हैं खट्टी मीठी चटनी को। मैंने सब में डाल दी है। फ्रेंड्स, ये खट्टी मीठी चटनी मैंने डाली है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। फ्रेंड्स, इसके बाद हम दही डालेंगे। फ्रेंड्स, ये आलू भुजिया है, इसको हम डालेंगे। इसके बाद हम धनिया पत्ती डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चाट कटोरी बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।